सेवा भारती समिति द्वारा आयोजित सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह आज बालिका आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। विनायक पूजन के पश्चात बारात खंडेलवाल धर्मशाला से प्रातः 9 बजे बैंड बाजे और लवाजमे के साथ गढ़ गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड लक्ष्मीनाथ जी का चौक चौपड़ मेटी शेरवानी की गली से होते हुए बालिका आदर्श विद्या मंदिर स्थित विवाह स्थल पर प्रातः 11 बजे पहुंची। मार्ग में बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रास्ते में बाराती नाचते झूमते व आतिशबाजी करते हुए आए। तोरण के पश्चात वर वधु को स्टेज पर फोटो सेशन एवं आशीर्वाद का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद अतिथियों व आमजन ने प्रीतिभोज किया। दोपहर 1:15 बजे आचार्य पंडित महेश शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारों से फेरे करवाए। सेवा भारती के आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अलग अलग समाजों के 5 जोड़ों के हमसफर बनने पर आशीर्वाद देकर विदा किया। कार्यक्रम में सेवा भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मूलचंद सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा समाज में ऐसे आयोजन समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक हैं। कार्यक्रम में सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री द्वारका प्रसाद, विभाग मंत्री मदन कुमार, जिला मंत्री कानाराम प्रजापत, जिला अध्यक्ष नंद किशोर कुलवार, संयोजक धर्मेंद्र शर्मा के अतिरिक्त सेवा भारती के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए जगत गुरु अवध बिहारी देवाचार्य वीर हनुमान धाम सामोद नरसिंहपुरी जी महाराज उदयप्रिया मानदास जी महाराज बंशीधर जी कुलदीप महाराज उपस्थित थे। इसके साथ ही आयोजन समिति के कार्यकर्ता अटल मेठी प्रबंध संयोजक एवं बीना खुटेटा महिला संयोजक ने कार्यक्रम को व्यवस्थित किया। कार्यक्रम में विधायक रामलाल शर्मा, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी, पूर्व चेयरमैन आशीष दुसाद, छुट्टन यादव, सुरेश विजयवर्गीय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।